हेलो प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास एट्थ की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी डिव तो बच्चों इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ज्योग्राफी लेसन पोएम को पढ़ाया था उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया था जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग भी बताई थी तो बच्चों आई होप दैट कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको जो पोएम है वो एकदम से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आंसर भी एकदम क्लियर हो जाए तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कराएंगे वर्किंग विद द पोएम वाली एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर थर्टी फाइव पर आपकी बुक में दी हुई है तो उसका जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड थ्री और फोर फ्रेजेस इन स्टैंड वन एंड टू विच आर लाइकली टू ऑकर इन अ ज्योग्राफी लेसन तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं ये कि आपके जो पॉइंट के वन और टू जो पहला और दूसरा स्टैंडा है उसमें में से आपको तीन या चार फ्रेजेस छांटकर कर लिखने हैं जो कि ज्योग्राफी के लेसन में आ सकते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया चलिए अब इसका आंसर करते हैं तो इसका जो आंसर है वो ये है द फॉलोइंग फ्रेजेस में आकर इन आ जोग्राफी लेसन तो यहाँ जो नीचे मैं आपको फ्रेजेस बता रहा हूँ ये आपके ज्योग्राफी लेसन में आ सकते हैं जो कि पोएम के स्टेंजर से ही हैं तो फर्स्ट है स्केल्ड स्केल्ड हैचेज टू द माइल ये जो फ्रेज है ये आपके ज्योग्राफी लेसन में आ सकता है सेकेंड सिटीज वेयर द रिवर रैन एंड द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड ये जो फ्रेज है ये भी आपके के लेशन में आ सकता है ये हमारे पोएम के स्टेंजा का ही फ्रेज है जो थर्ड है वो ये है लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन ये जो फ्रेज है ये भी पोएम के स्टेंजा से ही है ये भी आपके ज्योग्राफी लेशन में आ सकता है और फोर्थ जो है अर्थ वॉज राउंड ये भी आपके जोग्राफी लेशन में आ सकता है ये भी हमारे पोएम का ही एक फ्रेज़ है पोएम में ही दी गई स्टैंडजा का फ्रेज़ है तो बच्चों आई होप दैट ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में ये था कि जो पोयम के स्टैंड हैं वन और टू मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडा उसमें में से आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस छाँट कर लिखने हैं जो आपके ज्योग्राफी लेसन में आ सकते हैं तो वो सारे फ्रेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू वो क्या है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स अगर किसी एरोप्लेन के विंडो से देखा जाए तो जो सिटी है वो ऐसे दिखती है फर्स्ट है एज हजार्ड एज ऑन ग्राउंड दूसरा एज नीड एज अ मैप तीसरा एज डेवलप्ड एज नेसेसरी मार्क द राइट आंसर तो बच्चों यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि जब किसी सिटी को एरोप्लेन की विंडो से देखा देखा जाता है तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि वो कैसा दिख सकता है जैसे वो हैफ़ हजार्ड ग्राउंड पे दिखता है वैसे दिखता है कि इतना साफ दिखता है जैसे कि मैप पे दिखता है कि इतना डेवलप दिखता है कि जितना ज़रूरत हो जितनी जितना जरूरी हो उतना वो डेवलप दिखता है तो इसमें में से आप जो राइट right आंसर है वो आपको मार्क करना है तो बच्चों मेरे हिसाब से जो राइट right आंसर है वो थर्ड नंबर है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कंप्लीट हुआ इसमें आपको जो राइट right आंसर था वही मार्क करना था टिक करना था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी तो जो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए दिए गए हैं इसमें में से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि ज्योग्राफी के लॉजिक के एग्जांपल हैं जो कि ज्योग्राफी के हिसाब से लॉजिकल हैं तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो फर्स्ट सेंटेंस आप देख लीजिए देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स सेकेंड है सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम सिक्स माइल्स अबव द ग्राउंड थर्ड है इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड फोर्थ है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन हेट एंड किल वन एन अदर और फिफ्थ है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड तो बच्चों इन पाँच सेंटेंसेज में से पाँच स्टेटमेंट में से आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस छाट के लिखने हैं जो कि जोग्राफ़ी के हिसाब से लॉजिकल हैं तो इसका आंसर मैंने लिखा है इसमें में से जो तीन तीन स्टेटमेंट हैं वो द फॉलोइंग इस्टेटमेंट आर एग्ज़ाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जोग्राफी तो यहाँ पर हमने तीन स्टेटमेंट छाँट के लिखे हैं जो कि जोग्राफी के हिसाब से लॉजिकल हैं फर्स्ट है देर आर सिटीज़ वेयर देर आर रिवर्स सेकेंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड और थर्ड है द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड तो ये आपके जोग्राफी के हिसाब से लॉजिकल क्वेश्चन है तो इन सॉरी लॉजिकल स्टेटमेंट हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा है तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट ये फर्स्ट वाला मैंशन टू थिंग्स दैट आर आपको दो ऐसी चीजों के बारे में मैंशन करना है जो कि जो कि क्लियर फ्रॉम द हाइट जो ऊंचाई से क्लियर दिखती हैं और दूसरा नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट जो कि ऊंचाई से क्लियर नहीं दिखती हैं तो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है बच्चों आंसर है टू टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट आर लैंड एंड वाटर जो लैंड और वाटर पानी और जो धरती है जो ज़मीन है वो आपकी ऊंचाई से क्लियरली दिखती है और दूसरा जो क्वेश्चन था कि जो क्लियरली नहीं दिखते हैं वो हैं ह्यूमन बींग एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जैसे कि जो इंसान है और जो हमारी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जैसे कि बिल्डिंग वगैरह जो है ये ऊंचाई से इतनी क्लियर नहीं दिखती हैं जितना कि धरती और पानी क्लियर दिखता है तो बच्चों आई होप दैट कि आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर ये एक्सरसाइज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे खासकर जब आपके एग्ज़ाम होंगे तब आप हमारे वीडियोज़ से रिवीजन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके सामने ये जो लोगो दिख रहा है इस लोगो पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास एट्थ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारों की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें बाय बाय टेक केयर